हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना .com। आई एम हिमा डोप्रियाल। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए एंड उन पे कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस ईमेल के थ्रू फ्यूचर में मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, प्लस आप हमें फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, प्लस ब्लॉगर के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस फाइंड आउट करने में या सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साइट पे डायरेक्ट विजिट करें। हमारी साइट है www.asanhaina.com। वहाँ आपको सभी वीडियो एक सीरीज वाइज अवेलेबल होंगी। ओके फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि लेज़र की पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, उसी के बेस पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल, कंपाउंड का मतलब एक्चुअली होता क्या है, दो से ज़्यादा एंट्रियों का मिलना जो एक दूसरे को अफेक्ट करती हो, वो क्या होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री कि हम किस तरह पोस्टिंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जब जर्नल एंट्री में टू और दो से ज़्यादा अकाउंट्स क्या कर होते हैं, देखो, जब अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को तब वो हमारी क्या मानी जाती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कैसे, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे और ओनली एक ही अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो वो हमारा क्या माना जाएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। द एंट्री इज टर्म्ड एज कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे मैं हमने जर्नल में भी किया था कि दो अकाउंट एक अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे एक अकाउंट तो हमारा दो अकाउंट तो हमारे डेबिट है, एक अकाउंट हमारा क्रेडिट है, तो ये हमारा किस में मेंशन किया जाता है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। एक होती है हमारी सिंपल जर्नल एंट्रीज। सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होते हैं, जो सिंपल जर्नल एंट्री होती हैं उसमें हम ओनली टू अकाउंट्स होते हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसमें दो से ज़्यादा अकाउंट नहीं हो सकते, बिकॉज ये क्या होती है, सिंपल एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री में हमारे क्या होते हैं, दो से ज़्यादा अकाउंट्स एक ही अकाउंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसी के बेसिस पे हम आपको एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करवाते हैं कैसे है। एग्जांपल, इफ़ ऑन 10th अप्रैल 1994 कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी इज़ रुपीज़ 14,800 एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम इज़ रेट 200, द कंपाउंड एंट्री एंड द लेज़र अकाउंट विल बी फॉलो। मीन्स क्या है, 10 अप्रैल 1994 क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी से इज 14,800 का एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम इज रुपीज़ 200। कैश रिसीव्ड हुआ है उसे किसे, गोपाल एंड कंपनी से 14,800 का, एंड क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है टू देम। मीन्स उसने ये कहा है कि अगर आप हमें कैश में रिसीव करते हो 14,800 रुपये तो आपको क्या मिलता है, साथ में 200 का डिस्काउंट। तो ये स्कीम किस लिए दी जाती है, ताकि जो कस्टमर है, जो कंपनी है, वो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, लोन रिटर्न कर दे। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो इसमें टू अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे एक अकाउंट्स को, कैसे, 10th अप्रैल 1994 को हमने क्या किया था, कैश रिसीव किया था गोपाल एंड कंपनी से, तो जो हमने रिसीव किया है वो क्या होगा, हमारा कैश अकाउंट डेबिट 14,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू गोपाल एंड कंपनी। हमने क्या रिसीव किया है, कैश
14,200 रुपये का, और हमने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है उसको, जो हमने डिस्काउंट उसको दिया था 200 का, वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। गोपाल एंड कंपनी, वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमारा डेबिट क्यों हुआ है, बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सॉरी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। तो इसी के बेसिस पे ये हमारा क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट होगा, और इसकी हम नीचे नरेशन लिखेंगे, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। जो हमने कैश रिसीव किया है, ठीक है, और हमने क्या दिया है उसको, रिसीव सॉरी डिस्काउंट दिया है, तो इसमें हम जितने भी नरेशंस में किस पर्पस से हम एंट्री को कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल हम किस में दिखाएंगे, अपनी नरेशंस में। ये था हमारा पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।